अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। दोस्तों ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। पार्ट नंबर 14 मेरा हो चुका है, आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 15। इस पार्ट नंबर 15 के अंदर हम आपको 7 ऐसे कस्म के लफ्ज़ आपको समझाने वाले हैं जो कि हर लफ्ज़ ता से ही शुरू होगा। तो चलिए बिना देरी की भी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके आप लिखना सीखें। इसको बोलता है ता, और ये वाव, और ये या, और ये लाम। तो इसको हिज्जा हम कैसे लगाएंगे? ता जबर ता, वा या जेर वी, लाम साकिन तवील। तो ता वाव के अंदर मिल जाएगा, ता वाव के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वाव या के अंदर नहीं मिलेगा। जिसको हम कैसे मिलाएंगे? ता, ये हम ता दे दिए और यहाँ से हम वाव को खींच दिए, और यहाँ से ये या दे दिए, और यहाँ से लाम दे दिए। ये क्या हो गया? तवील हो गया। ये लफ्ज़ समझे? हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। इसी तरीके से हम फिर लिखते हैं ता वाव ये लाम। तो ये क्या हो गया? ता वापिश तू, लाम साकिन तूल। वाव ता के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वाव लाम के अंदर नहीं मिलेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हम ता दे दिए, फिर यहाँ से हम उठा करके वाव दे दिए, और ये लाम को हम अलग दे दिए। तो ये हो गया तूल। अब हम किसी का नाम लिखते हैं। आप देखें, ये ता, ये लाम, ये आयन, और ये ता। इसको बोलता है तो, इसको बोलता है ता। तो ता लमजर तल, आयन ताजबर अत, तल अत। ये लड़की का नाम है तल अत। इसको हम कैसे लिखेंगे? ता, ता का तो यहाँ आधा शक्ल हो गया, यहाँ पे लाम का आधा शक्ल, और ये आयन का आधा शक्ल, और एक आयन इस तरीके से लिखा आता है। तो अभी यहाँ पे ये आयन इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि आयन से पहले लाम है। लाम आयन के अंदर मिलेगा तो ये आयन इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन लाम आयन से पहले कोई वर्ड हो लेकिन आयन के अंदर नहीं मिल रहा है तो वो आयन इस तरीके से लिखा आएगा। अभी यहाँ आयन लाम के अंदर मिल रहा है तो ये आयन इस तरीके से इस्तेमाल होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ता दे दिए, फिर यहाँ से लाम दे दिए, फिर यहाँ से हम आयन दे दिए, फिर यहाँ से हम ता दे दिए। तो ये क्या हो गया? तलअत। ये लफ्ज़ समझिए, हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। अब हम यहाँ लिखते हैं ता लाम बा ये हा। ता लाम बा हा। तो क्या हो गया? ता लमजर तल बा हजबर बा तलबा। तलबा किसको बोलता है? स्टूडेंट को बोलता है तलबा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको समझना है। ता का आधा शक्ल होता है, लाम का भी आधा शक्ल होता है, बा का भी आधा शक्ल होता है। तो ता लाम में मिल जाएगा, लाम भी बा में मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का लफ्ज़ आधा आधा हुआ। तो जिस लफ्ज़ का आधा लफ्ज़ होता है, जिस भी हरफ का आधा शक्ल होता है, तो वो हरफ एक दूसरे में मिल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ तीनों लफ्ज़ मिल जाएगा। ये तीनों लफ्ज़ मिल जाने के बाद फिर ये भी हा इसके अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात ये निकलती है कि ये चारों लफ्ज़ एक दूसरे में मिल जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ता, और ये लाम, और यहाँ से ये बा, और यहाँ से हा दे देंगे। तो ये क्या हो गया? तल बा। इसको फिर हम ढंग से लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे आपको समझाने के लिए हम ये लिखें। इसको हम ढंग से लिखते हैं, ता लाम बा हा तल बा, ता लाम बा हा तल बा। इस तरीके से लिखा आएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ता नून अलिफ ज़ा। तो ये क्या हो गया? ताजबर ता नून अलिफ़ ना जामा कोफ, या ज़ा साकिन, तनाज हो गया। अब ये तनाज को कैसे लिखेंगे? नून का भी आधा शक्ल होता है, ता का भी आधा शक्ल होता है। ये नून का इस तरीके से आधा शक्ल, ता का ये आधा शक्ल। तो ये नून के अंदर अलिफ मिल जाएगा, इस नून के अंदर अलिफ मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, ये ता, ये नून, और यहाँ से हम अलिफ को मिला दिए, और यहाँ से ज़ा अलग दे दिए। क्या हो गया? तनाज हो गया, तनाज। ये भी लफ्ज़ समझे आप। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ता वाव फा अलीफ, और ये रहा नून। तो ये क्या हो गया? ता वापिश तू, फारिज और फा, नून साकिन तूफ़ान। इस तूफ़ान को हम फिर हम कैसे मतन कैसे लिखेंगे? वाव ता के अंदर मिल जाएगा तो इसको हम मिला देते हैं, वाव और ये ता, ता वाजबर तू,
फा अलिफ के अंदर मिलेगा, क्योंकि अलिफ के बाद नून है, तो अलिफ नून के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि हम फा के अंदर मिलाएंगे। फा अलिफ बर फा और ये नून साकिन, तो ये क्या हो गया, तूफ़ान हो गया। ये भी लफ्ज़ आप समझ गए। हम लिखते हैं ता वाव और ये रा, तो ये क्या हो गया, तौर। अब बताएं वाव रा के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाव ता के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें इसका लकीर यहाँ पे खींचा हुआ है, तो हम ता को वाव के अंदर मिला देते हैं, यहाँ पे लकीर ता का खींच देते हैं और ये रा अलग कर दिए, तो ये क्या हो गया, तौर। तो ये मेरा वीडियो का सातवां लफ्ज़ था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर करें, साथ साथ बेल घंटी को दबा करके ऑल कर दें, और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें और फॉलो भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।